तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्राउंड लेवल ब्लॉग्स में। मैं अब्दुल रहमान और आज की डेट है 29th of August। हमें लद्दाख में आज मैं अपने कपड़े धो के ऊपर छत में आया तो मुझे एक चीज़ दिखाई दिया, क्योंकि काफ़ी दिन से दिख रहा था लेकिन मालूम नहीं था वो क्या चीज़ है, जो कि यहाँ लेह लद्दाख में एक थिएटर ओपन हुआ है। ये देखिए, पहले मुझे लगा कुछ होगा बच्चों के घूमने घूमने का, बाद में कुछ न्यूज़ देखा गूगल में, कुछ न्यूज़ आया कि 11,000 फीट में ले में अपना थिएटर ओपन हुआ है। तो आज इसके पास जाएंगे, देखेंगे क्या है, कैसे क्या है, सिस्टम है यहाँ पे, कौन सी मूवी लगी है। ठीक है, अभी थोड़ा स्मार्ट बन जाते हैं, उसके बाद जाएंगे बाहर मार्केट में, थोड़ा चिकन विकन लाएंगे, चिकन बनाएंगे, उसके बाद जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए चलिए चलते हैं। ये हमारा छत है, यहाँ से देखिए ये कपड़े धो दिया, सूख रहे हैं अभी। ये जो रोड दिख रहा है आपको, ये मेरे पीछे जो रोड है ये सीधा मनाली तरफ जाता है, मनाली पेंगोंग इसी रोड से जाते हैं। और इधर है हम लोगों का एयरपोर्ट, और इस साइड में जाएंगे ले मार्केट वगैरह, ले जो मेन सिटी टाइप है वही है, ले पूरा मार्केट वगैरह सारा ऊपर है, 2 किलोमीटर ऊपर में। तो दोस्तों यही रूम है अपना, ऑफिस लिखा हुआ है, अभी ताला लगा दिया हूँ, अभी निकल रहे हैं चिकन लेने। और एक रूम ये भी है, इसमें भी लॉक है, पहले वाले रूम में किचन वगैरह बनाया हुआ है, वहाँ पे खाना वगैरह बनता है। ठीक है, तो ये देखिए ये रूम मालिक नीचे रहते हैं यहाँ पे, यहाँ सब स्टेशन है एक, और उधर अपना थिएटर खुला है, पता नहीं कैसा थिएटर है, अभी जाके देखेंगे थोड़ी देर में। अभी चल रहे हैं हम लोग, चिकन लाएंगे मस्त और बनाएंगे जबरदस्त। तो दोस्तों यही स्क्वायर है जो मैं ऊपर से बता रहा था, इधर इधर साइड ले मार्केट है और इस साइड एयरपोर्ट है, और मेरे पीछे वाला रोड जो है मनाली तरफ जाता है। ठीक है, अभी सारा मार्केट 2 दिन से क्लोज है, पता नहीं लोकल का कुछ फेस्टिवल है कि क्या है, कल तो पूरा मार्केट बंद था और आज भी बहुत सारी दुकानें बंद ही दिख रही हैं, पता नहीं चिकन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, देखते हैं, नीचे भी मिलता है लेकिन नीचे नहीं जाऊंगा, क्योंकि नीचे तो चले जाएंगे लेकिन वापस आने के टाइम थक जाते हैं, इसीलिए अभी इधर जाएंगे फोर्ट रोड तरफ, वो लेवल है, ठीक है, उधर से लेके आएंगे। दोस्तों चिकन ले लिए, अब जा रहे हैं, थोड़ा तेल भी लेना है, तेल भी ख़त्म हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे प्लास्टिक के कैरी बैग यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर पेपर में ही यूज़ करते हैं, कैरी बैग ज़्यादातर पेपर का डिस्पोजेबल ही यूज़ करते हैं लोग। अभी ये जो खाने की शॉप देखे पीछे, यहाँ से चिकन बनने के बाद लेके जाएंगे तंदूरी रोटी गर्मा गर्म ज़बरदस्त, उसमें लगाएंगे घी फिर जाएंगे।
दोस्तों अभी फ्रेश चिकन ले लिए, इसमें थोड़ा सा हल्दी नमक और मिर्चा डाल के इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ठीक है, चेक करेंगे थोड़ा। हाँ इसी में हम चिकन को डाल के भी फ्राई कर लेंगे। ये अपना चिकन है, मैरिनेटेड चिकन, इसी को इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। देख रहे हैं, प्याज भूनने के बाद हम इसमें चिकन डाल दिए और इसी में फ्राई कर लेंगे। इससे हमें अलग से चिकन को फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और चिकन फ्राई भी हो जाएगा और टेस्ट भी बढ़िया आएगा। ठीक है, दो चार मसाले जो है अपने पास डाल देंगे सारे। तो दोस्तों अभी अपना चिकन हो गया रेडी, अभी जा रहा हूँ तंदूरी रोटी लाता हूँ बाहर से। वो होटल दिखाया था ना रास्ते में, दो होटल है हमने सामने, वहीं से लेंगे। बहुत ही बढ़िया रोटी बनाता है तंदूरी वाली, ताला ले लूँ। ठीक है अभी चलते हैं। तो ये है दोस्तों तंदूरी रोटी, इसमें घी डाल दिए ज़बरदस्त। अभी निकालेंगे अपना स्पेशल आइटम चिकन का, गर्म है। वाओ, अब इसे टेस्ट किया जाए। एक्सप्रेशन के लिए अभी इसे टेस्ट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा, एक नंबर। ठीक है अभी खा लेते हैं, आप लोग भी आइए कभी, बनाएंगे और खाएंगे साथ में। ठीक है, ठीक है अब ख़त्म कर लेता हूँ। तो दोस्तों यही है थिएटर, अभी जाते हैं अंदर। जाते हैं, बाउंड्री वॉल खुला है, इधर ही से घुस जाता हूँ। गेट तो काफ़ी आगे से है, उधर जाके फ़ायदा नहीं, यहाँ पे बाउंड्री वॉल खुला हुआ है। और कुछ लोग उधर क्रिकेट वगैरह भी खेल रहे हैं, बढ़िया। देखते हैं कैसा है, कितना टिकट है, क्या है। एयर से फूला हुआ है पूरा, पोर्टेबल टाइप। मूवी चल रही है लगता, कोई आवाज आ रही है, साउंड आ रहा है इसमें। एसी वेसी सब लगा हुआ है, बढ़िया।
एयर से फूला हुआ है। कौन सा मूवी लगा भैया? शेरशाह लगा है। कितना टिकट है? 100 रुपए। 100 रुपए टिकट। ठीक है, यहाँ पे अभी शेरशाह मूवी चल रहा है, 100 रुपए टिकट है बोलते हैं। शेरशाह मूवी तो देख लिया हम पहले, देखते हैं जाएंगे नहीं जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से एंट्री है इसका, ये कुछ ग्यारह जो फूला हुआ है पूरा बाउंड, इसका पैकेज। शेरशाह मूवी लगी है, शिवम भाई को फ़ोन किए हैं, देखते हैं अगर वो आते हैं तो साथ में देखेंगे सब लोग मूवी शेरशाह। पहले भी देख लिया हम लोग मोबाइल में, अच्छा मूवी है, कारगिल का लड़ाई के ऊपर है। ठीक है, फिर से देख लेंगे, देखते हैं अभी क्या होता है। तो दोस्तों शिवम भाई भी आ चुके हैं, इसका मतलब आज हम लोग मूवी देखेंगे और इसका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। ये देखिए शिवम भाई लाइट बत्ती जलाते हुए चले आ रहे हैं। ये हाय, कैसे हो? ठीक है, और सुनाओ कैसे? सही बैठे हो, बैठ गया। मैं तो इसी आया था, क्या लग रहा है? चलो गाड़ी लगा दो। ठीक है, अभी जाएंगे अंदर, देखते हैं, पता करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे बाद में। तो दोस्तों ये है थिएटर, छोटा सा है, प्रोजेक्टर से दिखा रहे हैं शायद। ठीक है, ये पर्दा है मेरे पीछे और बाकी सब तो आपको मालूम ही है, ये काला काला विंड से जो भरा हुआ लगा है। और देखिए चेयर है, बढ़िया कुर्सी की चेयर है, साली प्लास्टिक की, इतनी चेयर है बस एक ही प्लेटफॉर्म में। और ये पर्दा है, पर्दा को हाथ नहीं लगा हुआ, और पूरा थिएटर बुक कर दिया हूँ अभी मैं। ठीक है, अभी हम लोग अंदर बैठे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लाइटिंग देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पर्दा लगा हुआ है सामने, बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ आपको, और ये बहुत ही मस्त लग रहा है यहाँ पे। और साथ में बैठे हैं राहुल भाई और इधर शिवम भाई। हेलो, मूवी चालू हो जाएगी तो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है यहाँ पे, हम लोग इसके पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। ठीक है, मूवी लंच के जब ब्रेक होगा तो उसमें स्नैक्स वगैरह है? हाँ, सब पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न सब मिलेगा, पॉपकॉर्न आइसक्रीम सब मिलेगी आपको। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के, हम लोग 11,000 फीट की ऊंचाई में बैठ के आप मूवी कभी देखें नहीं देखें मालूम है, लेकिन इतना अच्छा लगता है मूवी देखने का एक्सपीरियंस। हम लोग इतने एक्साइटेड है मूवी देखने के लिए, जबकि मूवी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। क्या बोलते राहुल भाई? बिल्कुल देख, मूवी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर भी देखने के बारे, कहानी के बारे में आप थोड़ा बताएंगे? फिर भी देखने के लिए, कहानी के बारे में नहीं बताइए, स्पॉइलर देने की जरूरत नहीं है। कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर है वो स्टोरी, तो मोस्टली सभी लोगों को मालूम है, लेकिन जिस तरह उसके गाने बनाए हुए हैं और कंपोज किया हुआ है मूवी को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको वीडियोग्राफी की हुई है। ठीक है, अभी मूवी चालू होगी, हम लोग देखेंगे, उसके बाद आपको रिव्यू बताएंगे कैसे रहा एक्सपीरियंस, यहाँ का साउंड, यहाँ का वीडियो क्वालिटी, उसके बाद बताएंगे आपको। ठीक है, ओके, मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों फिल्म हो गई खत्म, हम निकल रहे हैं यहाँ से। टाइम कितना हो गया? टाइम करीब 8:30 हो गए हैं, मतलब 2 घंटे की मूवी थी, अब निकल रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अभी, अच्छा था मूवी।